ये अजीब व गरीब वाक्य है, और वाकई ही अजीब व गरीब है, एंड इट्स सैड एज वेल, इट्स वेरी सैड। इसको कहते हैं कि सैड है, इट इज़ वेरी सैड, कि कल किसी एडमिन ने, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की कॉल मिलाई और बात हुई उनसे, गरीब गरीब बहुत गरीब, बच्चे को तेज़ बुखार। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर के पास ले जाओ। कह रहे हैं ले गए हैं, उसके कोई मसला है बुखार के साथ ना, और ले गए हैं, वो कह रहे हैं कि एडमिट होगा ये। तो मैंने कहा एडमिट कराओ। कह रहे हैं कि इतने पैसे मांग रहे हैं जैसे डिपॉजिट होता है। तो मैंने कहा कि कोई और तरीका होगा, कुछ होगा, ऐसा तो नहीं है कि ना हो। खैर मैंने बात की, काफ़ी गरीब लोग थे। अब चक्कर ये है कि मैं और तो कुछ भी नहीं कर सकता, होता ना कि और कुछ करने को तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं कुछ मामलात में। तो मैंने उनसे कहा कि एक आप काम करो, ये सुनो, मैंने सुन नहीं देखने को दिया था मेरे ख्याल से, पता नहीं सुनने को या देखने को, मुझे याद नहीं है। मैंने कहा ये करो और फिर बाकी ये कि लीव इट टू मी। मैंने कहा अस्पताल ले जाओ बच्चे को। कह लेंगे तो, मैं तो कह रही अभी वहाँ से आई हूँ। तो मैंने कहा कि जो कह रहा हूँ वो कर दो। मैंने कहा वहाँ पे आदमी आपको मिलेगा और काम हो जाएगा, अस्पताल में एडमिट करा देगा वो। कह लेंगे ठीक है। उसने खैर सुना देखा, मैं वजीफ़ा करता रहा। वजीफे के बीच में जो कि मैं बहुत ही रेयरली करता हूँ, वेरी रेयरली, यानी कि जिसको बोलते हैं कि वन इन अ मिलियन थिंग्स होते हैं, या बहुत ही कोई मेरे करीब हो तो करता हूँ, जिसको एक वर्ड है आपने देखा होगा, तवज्जो, जिसकी पोस्ट भी लगी हुई है, वो तो पढ़ के वजीफ़ा कर लेता हूँ। वो देख के, पढ़ना क्या है, उसको देख के पूरे को वजीफ़ा कर लेता हूँ, वो तवज्जो ही हो जाती है एक फॉर्म की। मगर जिस तवज्जो की मैं बात कर रहा हूँ, ये मामलात फैसले करवाने का है, ये मामलात करवाने का काम होता है, ये एक बहुत पढ़ने पढ़ाने वालों के घरानों के लोगों के अंदर ये एक एग्जेक्टिव पावर होती है, डिस्क्रिशनरी पावर, वो जब चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए है शरायत में जानमाज और तस्बीह, उसके अलावा कुछ नहीं चलता। क्योंकि और ये जो है पढ़ने वाला जो है वो ख़ानदानी पढ़ने वाला हो, यानी कि उसके रूहें रवा में तस्बीह की खड़खड़ाहट, तस्बीह की चटख जो है कानों के अंदर हर वक्त आती हो, वो इस तरह का पढ़ने वाला हो। कल्ब वालों की बात नहीं कर रहा, उनकी स्टोरी अलग है। खैर मैं तस्बीह कर रहा था, बीच में तो बोल पड़ा था, फिर मैंने तस्बीह शुरू की। तो मैंने बस इतनी झलक आई, जैसे कि वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा अस्पताल है अल शिफा इस्लामाबाद में, अल शिफा की जैसे झलक आई, उसका डोर नज़र आया और अल शिफा लिखा हुआ नज़र आया। तो मैंने कहा ठीक है, यानी कि उसके बाद मैं पढ़ता रहा। रात को फिर उनकी कॉल कनेक्ट हुई, फिर दोबारा बात हुई। मैंने कहा जी क्या हुआ, गए थे? कह रही, मैंने कहा कहाँ हो, वहीं पे हो? कह रही है नहीं हम वापस आ गए। मैंने कहा भाई वापस क्यों आ गए, क्या हुआ? कह रही है वहाँ गए थे, एक बुज़ुर्ग थे कोई, उन्होंने दरवाजे पर हमें पकड़ लिया। मैंने कहा फिर? कह रहे हैं कि आए मैं आपको रिसेप्शन तक ले जाता हूँ। वो रिसेप्शन पे ले गए, उन्होंने एंट्री करवाई, सब कुछ कराया, तो फिर उन्होंने पैसे मांगे, जो वो रिसेप्शन के उस तरफ थे कुर्सी के या शीशे के उस तरफ, पैसे मांगे। कह रहे हैं वो तो है नहीं हमारे पास। तो फिर वो चुप हो गई बेचारी, तो कुछ भी नहीं कर सकी वो जाके। मैंने कहा कि फिर? तो कहने लगी कुछ हम वापस आ गए, बच्चा बहुत तंग कर रहा था। मैंने कहा कि देखो, मैंने कहा चीज़ ये है कि अस्पताल में उसके लिए इलाज है, घर के ऊपर तो तंग तो कर रहा था, लेकिन अस्पताल घर पे भी तंग कर रहा होगा। तो बात वही, अगर ये वहाँ बैठ जाती ना उस वक्त, सब्र कर लेती, क्योंकि इस्तकबाल पे आदमी आ गया था। इस्तकबाल पे, ऑन द रिसीविंग एंड, अ पर्सन केम एंड रिसीव्ड यू, इस्तकबाल के लिए आदमी भिजवा दिया गया था, तो बिल देने के लिए भी आदमी भिजवाया गया था। आपको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था, वहाँ बैठ जाना चाहिए था दर पे। देखें चीज़ ये है कि जब तक आप दर पे किसी के बैठोगे नहीं, काम नहीं होता। यही अल्लाह की इबादत का भी उसूल है कि यू हैव टू गो एंड सप्लिकेट एंड डू दैट इबादत, या ये कि गो एंड सिट इन हिज दरबार, और दरबार उसका लगता है मस्जिदों में या आपके घर में जानमाज के ऊपर, जो नमाज पढ़ते हैं आप, वो दरबार है अल्लाह ताला का। आप वहाँ करते हो अल्लाह अकबर, और जो भी नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, कुरान पढ़ते हो, वो वहाँ बैठ के किया जाता है, वो उसका दरबार है। आपको उस अस्पताल के दर पे बैठ जाना चाहिए था, वहाँ का दरबारी बन के बैठ जाना चाहिए था और इंतज़ार करना चाहिए था। अगर ये इंतज़ार कर लेती, जब जब इस्तकबाल करने आदमी आ गया, रास्ता दिखाने वाला आदमी आ गया था, तो अंदर करवाने वाला भी आदमी आता।
थोड़ा सा सब्र वाला काम था ये काम, यानी कि पुट इट दिस वे, दिस इज़ व्हाई आई डोंट डू इट, बिकॉज पीपल डोंट अंडरस्टैंड द फिलोसॉफिकल या द मैथोलॉजिकल रीजनिंग और द प्रोसेस बिहाइंड इट। जब आपको भेज दिया ना एक जगह, मैं होता तो दो दिन तक वहाँ बैठा रहता, नाश्ते का भी बंदोबस्त होता मेरे, खाने का भी बंदोबस्त होता, सब चीज़ों का बंदोबस्त होता, क्योंकि भेजे हुए आदमी थे। और ये बहुत कम मैं करता हूँ, सिर्फ बच्चे की वजह से, लेकिन अभी पता नहीं, अभी तो खैर बुखार कम है, डॉक्टर के पास लेके गई हैं शाम में, अल्लाह ताला खैर करे, यानी कि हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं, दुआओं के अलावा हमारे पास है ही क्या करने को, पर दैट इज़ द अटमोस्ट थिंग दैट वन कैन डू फॉर एनीवन एल्स, पुट इट दिस वे। इसके अलावा कुछ नहीं है, लेकिन चीज़ ये कि इससे ज़्यादा भी कोई चीज़ नहीं है दुआओं के अलावा। खैर ये तो हो गई एक काम की बात।